नमस्कार डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां के स्कूल में 50 बच्चियों को इसलिए बेसमेंट में बंद कर दिया गया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं की थी। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में बच्चियों को 4.5 से 5 घंटे तक स्कूल में बंद रखा गया। ये मामला दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिभावकों का आरोप है कि छात्राओं को सुबह 7:30 बजे से ही स्कूल के बेसमेंट में रखा गया था। छुट्टी के समय जब छात्र बाहर नहीं निकले तो अभिभावकों को इसकी जानकारी मिली। पेरेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि बच्चों को 5 घंटों तक कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया गया।